हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हो आप सब तो गाइस अभी जो है मैं एक वीडियो शूट कर रही थी तो बस उसी के लिए ये जो थोड़ा बहुत मेकअप लुक है वो किया था तो डूगू सोई हुई थी मैंने सोचा फटाफट से फ़ायदा उठा लेते हैं इसके सोने का तो अब जो है मैडम जी उठ गई है मम्मा का गुगी नो no, वो नहीं लेना तो गाइज़ डुगु जो है उठ गई है सो के और आप इसकी हालत देख सकते हो <laughs> तो आज जो है वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है आ, बारिश हो रही है बाहर और बिल्कुल भी अच्छा मौसम नहीं है ठंड हो गई है तो गाइज़ मैं फटाफट से ये अपना ड्रेस जो है ये चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद आपसे बात करती हूँ तो गाइस मैंने चेंज कर लिया है तो आज जो है मैं सबसे पहले ब्लॉग में आपको जो है चाय बनाना सिखाऊंगी मैंने पिछले ब्लॉग में आप सबसे कहा था कि वेट लॉस करने के लिए मैं एक चाय भी पीती थी तो वही चाय है वो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से बनानी है और बहुत इजी है बनानी तो सबसे पहले चाय बनाते हैं गाइस मैंने गैस पे पैन चढ़ा दिया है तो हमारे को यहाँ पे जो है एक गिलास फुल एक गिलास पानी लेना है और इसमें जो है डाल देना है पूरा एक गिलास पानी डालने के बाद जो है उसके बाद गाइस हमारे को यहाँ डालना है एक चम्मच मीठी सौफ़ और उसमें डालना है एक चम्मच जीरा और इसे जो है मीडियम फ्लेम पे ही जो है हमें इसे पकने देना है और हमें इसे तब उतारना है जब इसका कलर भी चेंज हो जाएगा और जब ये एक गिलास आधा गिलास बन जाएगा तो हम इसे उबलने देते हैं और आधा गिलास बनता है फिर मैं बताती हूँ आपको गाइस तो आप देख सकते हो कि जो चाय है वो खोलनी शुरू हो गई है तो इसे उबलने देना है और तब तक उबलने देना है जब तक इसका जो एक गिलास का आधा गिलास नहीं बन जाता है तो और कलर इसका चेंज होने लग गया है आप देख सकते हो थोड़ा येलो येलो सा होने लग गया है तो थोड़ा सा वेट करते हैं थोड़ा सा फाइव मिनट्स का और उसके बाद मैं आपको इसको छान के निकाल के दिखाती हूँ गाइज मेरे पास यहाँ पतंजलि हनी है तो इसमें जो है मैं एक चम्मच मिलाऊँगी तो आप चाहो तो हनी के साथ भी पी सकते हो चाहो तो आप बिना हनी के भी पी सकते हो और हनी डालोगे तो कोई नुकसान नहीं होएगा और बल्कि अच्छा ही रहता है तो मैं हनी ऐड करूँगी आप चाहो तो हनी ऐड कर सकते हो और चाहो तो नहीं भी कर सकते हो तो एक चम्मच मुझे जो है इसमें मिलाना है, और इसी में मैं अपनी चाय छान के डालूँगी तो आप देख सकते हो ये जो चाय है लगभग आधा गिलास हो गई है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं और छान लेते अपने कप में तो गाइस मैं चाय ले आई हूँ और हनी मिलाने के बाद जो है इसका कलर हनी जैसा हो जाता है ब्राउन जैसा तो बहुत ही अच्छी होती है ये पीने में तो गाइस चाय मैं ले आई हूँ और मैंने आपको बता बता दिया है कि किस तरह से इसको बनाते हैं बहुत ही इजी है इसको बनाना और मोस्टली जो है मैं इसको शाम के टाइम पीती थी मतलब से साढ़े चार पौने पाँच बजे मैं इसको बनाना शुरू कर देती थी और पाँच बजे मैं इसको पी लेती थी तो आप शाम के टाइम पी सकते हो चाहो तो आप सुबह के टाइम भी पी सकते हो खाली पेट भी पी सकते हो और बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इसको पीने के कि जैसे कि आपको पता है जो मीठी सौंफ होती है और जो जीरा होता है उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारे पेट के लिए जैसे कि खाना पचाने में हेल्प करते हैं और अगर आपको गैस बनती है तो ये गैस नहीं बनने देते हैं आपका पित्त अगर गर्म है तो उसको ठंडा रखने में ये आपकी हेल्प करते हैं साथ ही साथ जो है अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है तो वो भी नहीं होगी इसके से तो काफ़ी सारे बेनिफिट होते हैं इसके साथ ही साथ आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है ये जैसे आपकी स्किन जो अंदर से होता है ना जैसे गंदी हो जाती है जिसकी वजह से आपको पिंपल्स निकलते हैं तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है और अगर आप इसमें हनी डाल के पीते हो ना गाइस चीनी आपको इसमें नहीं यूज़ करनी है चाहो तो आप बिना हनी के पी सकते हो बट आप अगर इसमें हनी डालोगे तो हनी भी बहुत अच्छा होता है हमारे बालों के लिए अच्छा होता है हमारे आ, स्किन के लिए अच्छा होता है तो हर तरह से अच्छा होता है तो आप इसमें एक चम्मच हनी ऐड कर सकते हो चाहो तो उससे कम भी ऐड कर सकते हो और उससे जो है फ़्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाता है चाय का तो आप इस तरह से पी सकते हो तो मैंने सोचा क्यों ना ब्लॉग में पहले ही आपको जो है जो मेन इन्फॉर्मेशन है वो दे देती हूँ क्योंकि काफ़ी लोग जो ऐसा है कि थोड़ा सा ब्लॉग देखते हैं और उसके बाद वो स्किप कर देते हैं या छोड़ के चले जाते हैं तो मैंने सोचा पहले काम वाली बात कर लेते हैं बाकी जो है लाइफ अपडेट है वो तो चलता ही रहता है तो गाइज़ चाय मेरी फिनिश हो गई है बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे तो बहुत अच्छी बनी थी और ये स्पेशल मैं आप पीती नहीं हूँ मैंने जस्ट आप लोगों को दिखाने के लिए अभी जो है बनाई है आपको जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में अपडेट किया था कि मैंने जो है एक साल की जब डुक हो गई थी उसके बाद मैंने इसको पीना छोड़ दिया था तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मुझे गैस बनती है ना मुझे कप्स की प्रॉब्लम है मेरी स्किन भी ठीक है मतलब मैं ध्यान रखती हूँ तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ा बहुत डाइजेस्ट के लिए मेरे को हो जाता है कभी कभार तो मैं वैसे ही मीठी सौंप खा लेती हूँ खाना खाने के बाद तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके साथ शेयर करना चाहिए तो इसीलिए जब मैंने जीरे वाले पानी का आपको बताया तो फिर इस वाले जो फॉर्मूला का है इसका भी आपको साथ शेयर करना चाहिए तो गाइज़ फ़िलहाल जो है मेरा लंच बन चुका है बस मुझे चपाती बनानी है तो उससे पहले मैं सोच रही थी कि अभी तो काफ़ी टाइम है तो मैं सोच रही थी कि बुन लेती हूँ मुझे एक ऑर्डर पे कोटी आई हुई है तो वो लास्ट मंथ से आई हुई है और बीच में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं लगा थोड़ी मैं बीमार भी हो गई थी तो मैं सोच रही हूँ कि आज उसका जो एक पल्ला है वो शुरू कर लेती हूँ लगा लेती हूँ और जल्दी से उनको बना के दे देती हूँ और चलो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ तो गाइज ये है वो कार्डिगन तो आप देख सकते हो मैंने बैक वाला पल्ला भी बना लिया और आगे वाला पल्ला भी बना लिया है विद पॉकेट बट उसके बाद जो है मैं बीमार हो गई थी और बहुत टाइम हो गया मैंने इसको बुना ही नहीं ये ऐसी ऐसे ऐसी रहेगी तो आज जो है इसका दूसरा पल्ला शुरू कर लेते हैं तो तो गाइज़ लंच जो है हमने कर लिया है और ब्लॉग को जो है मैं यही एंड कर रही हूँ मैं बहुत छोटे छोटे ब्लॉग बनाती हूँ ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें क्योंकि ज़्यादा लंबे जो ब्लॉग हो जाते फिर बोरिंग हो जाते हैं तो इस वजह से तो गाइज़ आज के ब्लॉग में जो है मैंने आपको चाय बनानी सिखाई है और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आप अगर पियोगे और बनाओगे तो आपको कैसा फ्लेवर लग रहा है और किस तरह का फ़र्क आपको लग रहा है या नहीं लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना तभी मुझे पता चलेगा और और भी चीज़ें अगर आपके माइंड में है मेरी लाइफ को लेके कुछ अब नए न्यू अपडेट्स होंगे वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तो कुछ लाइफ को ले जो पास्ट में रह चुका है या कुछ और एक्सपीरियंस जो आप आप चाहते कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना और नेक्स्ट ब्लॉग में गाइज फिर से मिलूँगी आपके साथ तब तक के लिए बाय बाय और प्लीज़ घर में रहिए अच्छे से रहिए सुरक्षित रहिए और अगर बाहर जाना भी पड़ रहा है तो मास्क पहनिए डबल मास्क पहनिए सैनिटाइज़र साथ कैरी कीजिए और जितना हो सके उतनी दूरी बरतीए और साथ ही साथ ग्लव्स भी अपने जो है पूरा पैक शैक होके ही जाइए और अगर मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जाना तो ही तो गाइज नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी तब तक के लिए बाय बाय